हेलो यूट्यूब, आज मैं आपके लिए फॉलिया टैबलेट्स का रिव्यू लेकर के आया हूँ। यदि किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हेयर लॉस हो रहा हो तो उस कंडीशन में जनरली डॉक्टर्स फॉलिया रिकमेंड कर सकते हैं आपको। और ये आप देख सकते हैं कि न्यू पैकेजिंग का पैकेट है जिसमें विटामिन, मिनरल, एमिनो एसिड ये सब हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। एबेट कंपनी बनाती है फॉली हेयर को। और आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि फॉली हेयर आपको हेयर लॉस में मदद करता है कि नहीं, वो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। इसमें इन्होंने विटामिन, मिनरल और एमिनो एसिड के अलावा अंगूर के बीज के एक्सट्रैक्ट भी डाले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस पैकेट को, जो 10 गोलियों का पैकेट है। और इसकी प्राइसिंग की अब बात करें तो 199 रुपये का पैकेट पड़ता है आपको, जिसमें केवल 10 गोलियाँ रहती है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली है ये। मैन्युफैक्चरिंग इसकी 2019 की है और 18 मंथ में एक्सपायरी है। आप यदि इसके साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे वीडियो पॉज करके, तो आपको देखने मिल जाएगा कि पर सर्विंग पिल में आपको कितनी एनर्जी, कितना प्रोटीन और क्या कुछ मिलता है। शुगर इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और आप नीचे भी देख सकते हैं इसमें जो जो एमिनो एसिड, विटामिन और मिनरल्स इसमें इन्होंने डाले हैं, ये सारे इन्होंने FDA के मानक के अनुसार डाले हैं। जितना FDA अप्रूव करता है पर सर्विंग पिल में, उस हिसाब से इन्होंने डाला हुआ है। आप यदि अच्छे से देखेंगे तो इसमें विटामिन के सेक्शन में इसमें विटामिन C, B, 3, E के अलावा इसमें फॉलिक एसिड, बायोटिन वगैरह भी हैं, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सारे विटामिन, मिनरल्स आपको आपके खाने, आपके आहार से मिल जाते हैं। अब इंग्रेडिएंट की तरफ यदि आप जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें सोया प्रोटीन के अलावा सारे कुछ विटामिन, मिनरल्स तो हैं ही, लेकिन इसमें दिक्कत सिर्फ ये है कि नेचुरल और सिंथेटिक फूड कलर्स का इसमें यूज़ किया गया है। जैसे INS 150 एक कार्मल कलर होता है और इससे आपको आपकी आंतों की समस्या हो सकती है। और दूसरी इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, आपको गैस की समस्या हो सकती है। और ये कंपनी पैकेट के पीछे लिख के भी रखी हुई है कि, और ये होता भी है वाकई में, यदि आप इसके जिन्होंने यूज़ किया हुआ है उनसे बात करें तो इससे गैस की समस्या होना एक आम बात है। तो इसमें INS 150 कार्मेल कलर या दूसरे जो इसमें थिकनर्स यूज़ किए गए हैं और जो दूसरे इसमें डिस्पेजिंग एजेंट यूज़ किए गए हैं, इन सब के यूज़ के देखने के बाद मुझे यही लगता है कि हमें हमारे आहार पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए, बजाय इसके कि हम इस तरह की बायोटिन सप्लीमेंट्स के पीछे भागें और ये सिंथेटिक कलर्स वाले हम जो टैबलेट्स यूज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वर्दी है। हमें हमारे आहार और हमारे जो रूटीन है उससे हमें सुधारना चाहिए, बजाय इसके कि हम इनके पीछे इतना पैसा खर्चा करें। 199 आपको केवल 10 गोलियां दे रहा है 10 दिन के लिए, ये 3 महीना आपको यूज़ करने के लिए कहते हैं। अब आप सोचिए कि यदि आप 1 महीना भी यूज़ करते हैं तो 600 रुपये की आपको 30 गोलियां पड़ती हैं। अब आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप जिसमें केवल 10 टेबलेट्स हैं, और इसका एक बॉक्स दूसरा बड़ा भी आता है जिसमें 30 गोलियां रहती है, वो लगभग 500 रुपये के आसपास का पड़ता है। आप ये ग्रीन साइन देख सकते हैं इसमें, जिससे आप समझ सकते हैं कि इसे वेजिटेरियंस भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। जैसा मैं आपको बता रहा था, बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ता है। और या यदि आप 600 रुपये महीने की केवल 30 गोलियाँ खा रहे हैं, 500 रुपये में 30 गोलियाँ खा रहे हैं, तो उसके बजाय आप मार्केट से अच्छे फल, सब्जी या दूसरे मेवे वगैरह लेकर के अपने विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति कर सकते हैं। इस टैबलेट्स को यूज़ करते हुए मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया है। ये नई टैबलेट का स्ट्रिप है, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको दूसरा स्ट्रिप दिखाता हूँ जो मैं अभी यूज़ कर चुका हूँ इसके 10 गोलियों का। और जैसा मैं आपको बताया कि मैं 3 महीने से इसे यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अलावा एक बॉक्स भी इससे पहले यूज़ किया था जिसमें 30 गोलियाँ थी। तो ये कंपनी भी कहती है कि 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई रिज़ल्ट देखने नहीं मिला। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या नहीं थी, हेयर लॉस की समस्या नहीं थी, सिर्फ मेरे बाल पतले हो रहे थे, हेयर थिनिंग की समस्या थी मुझे। तो मुझे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला। ये आप पैकेट के अंदर कैटलॉग निकाल करके देखेंगे तो इसमें ये बताते हैं कि आपके बाल क्यों झड़ते हैं, या कितना बाल पर डे झड़ना नॉर्मल है, और कौन सा कितना बाल, यदि आपका झड़ रहा है ज़्यादा है, यदि 100 बाल से ज़्यादा तो वो हेयर लॉस की कैटेगरी में आता है। फिर आप आगे बढ़ते हुए यदि देखेंगे तो ये आहार के बारे में जो लिखते हैं, अब आप खुद समझिए, कंपनी खुद आपको जो कैटलॉग दे रही है उसमें आपके आहार के बारे में बता रही है कि आपको आहार से आपके विटामिन, प्रोटीन्स, आयरन और दूसरे मिनरल्स मिल रहे हैं। प्रोटीन्स आपको आपके सूखे मेवे वगैरह या
बीजयुक्त जो फलियां रहती हैं उससे मिल जाते हैं, अंडा मछली से मिल जाता है आपको, आयरन आपको देख सकते हैं, कद्दू के बीज, सोयाबीन के बीज और दूसरे तरह से पालक वगैरह से मिल जाता है। विटामिन आपके लिए विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी और ई का संतुलित आहार आपके लिए ज़रूरी रहता है जो आपके आपके फूड से मिल सकता है। तो आप खुद समझिए इस चीज़ को कि यदि आपको आपके आहार से सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आपको इससे यूज़ करने की ज़रूरत ही क्या है। और आप इसे यूज़ तभी कीजिए जैसा ये लोग भी कहते हैं, आप पहले अपने डॉक्टर्स के पास जाइए, वो यदि आपको रिकमेंड करते हैं तो फिर इसे यूज़ कीजिए। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि 3 से 6 महीने में इसका रिजल्ट आ जाएगा, मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गए इसे यूज़ करते हुए, मेरे कोई ऐसा मेजर रिज़ल्ट इसका नहीं मिला है। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट इसको लेकर यही है कि मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं मिला है, कोई ऐसा मुझे मेजर अपने बालों में परिवर्तन नहीं दिखा है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस तरह के बायोटिन सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की बजाय आप अपने आहार को अच्छा बनाइए, आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी रूटीन को बेहतर बनाइए, आप अपनी पर डे रूटीन पर काम कीजिए और अच्छे से अच्छा आहार लेने की कोशिश कीजिए, चाहे वो फॉली ऑयल हो या दूसरे बायोटिन हो, उसके बजाय पीछे भागने के बजाय आप अपने आहार को अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो ये मेरे लिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला है और ना ही आपको इससे कोई आपके हेयर लॉस में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये था फॉली हेयर का रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप चाहते हैं आगे भी मैं इस तरह के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते रहूँ अपने चैनल पर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।